अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप सबका एन अदर वीडियो के अंदर। क्या सब सब आई हो, आप सब ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन हो गए, शानदार हो गए, क्योंकि आपका भाई भी आपकी तरह बिल्कुल बेहतरीन और शानदार है। भाई 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 भी आज व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, आपने देख लिया होगा सेटअप से, आपके बैकग्राउंड से देख लिया होगा, सेटअप देख के आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा भाई कि आज व्लॉगिंग नहीं कर रहा। आज आपका भाई आपके साथ मिलके देखेगा व्लॉग्स, पॉपुलर व्लॉगर है जो पाकिस्तान का, हम उनके मिलके आज व्लॉग देखेंगे। ठीक हो गया, प्लान मेरा था कि भाई मैं देखू डक्की भाई का साथ जय प्लेस और साथ में देखू बाबा ओपी, इन तीनों का, क्योंकि इन तीनों का आपस में जरा बनता है। ठीक हो गया, तो हुआ ऐसे कि जो व्लॉग मैंने लास्ट कैप्चर करना था, उस लास्ट व्लॉग में डक्की भाई और बाबा ओपी दोनों मिलके साथ थे, तो मैंने कहा जब ये दोनों इकट्ठे हैं तो भाई फिर एक के कर लेते बीच में से, डक्की भाई का कर लेते हैं। ठीक हो गया, बीच में बाबा ओपी वैसे ही और उसके साथ कर लेते जय प्लेस का, तो इन दोनों का मिला के 5-5 मिनट का दोनों का व्लॉग मिला के एक व्लॉग बना के वो देखेंगे आपके साथ मिलके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। जो मिलना इसका हेलो जी में है ना भाई, ना और किसी चीज में नहीं, पूरे व्लॉग में आपको हेलो जी जो सुनाई देगी ना कान में, जो हेलो जी, जब तक हेलो जी कहता है कि हेलो जी, यही हेलो जी कहता है, जब तक ये ना कानों में पड़े पता नहीं चलता कि भाई टक्की भाई का व्लॉग है। कल जो है मैंने व्लॉग नहीं था डाला, लेकिन उसकी तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज तो ये व्लॉग आ गया है, कल आने जा रहा है लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर्स। मुझे पता है कि मैंने पहले भी जो है लान किया था कि लिविंग आपका भाई बना चुका है, गाड़ी के अंदर व्लॉग बना चुका है, 24 घंटे गाड़ी के अंदर रहने वाला आपके भाई ने पहले ही बना लिया हुआ। भाई देख लो अभी वो 7 महीने सब्सक्राइबर के बाद बना रहे आपके भाई का, अभी 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे तब का ये व्लॉग बनाया आपके भाई ने, ना कार फॉर 24 आवर्स हम लोगों ने बनाना है, लेकिन बीच में जो है रोजे आ गए थे, उससे पहले ट्रिप आ गया था, उससे पहले ढीला हो गया था यार मैं। अच्छा, तो वो करी है हमारी कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैलेंज करना है, और आज जो है ना हमें उसकी तैयारी करनी है। भाई तैयारी हम लोगों ने क्या क्या करनी है वो भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, टेंशन नहीं है, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना व्लॉग के अंदर, अगर अभी तक तुम लोगों ने व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब कर। फॉर्च्यूनर और मेहरान के अंदर 24 आवर चैनल बना रहे हैं, फॉर्च्यूनर खुली डुली गड्डी जितना मर्जी लवे पे खुले पे हो, तो मेहरान च बंदा है। प्ले करते काम ये करना है कि ये पहले सीटें होंगी फोल्ड। अब जो है ना हमारे पास काफी अच्छी खासी स्पेस बन गई है भाई, बंदा यहाँ पे 4 बाई बचा के घर भी बसा सकता है, और हमें चाहिए इस साइज का कोई मैट्रेस या फिर कोई गद्दी शद्दी, कोई सॉफ्ट सरफेस करने के लिए, और वो भी 2 लोगों के लिए, क्योंकि बाबे ने भी आना, ठीक है, वो हमारे साथ चैलेंज करेगा, यानी कि मैं और बाबे 24 आवर्स के लिए गाड़ी में बंद हो जाएंगे। 3 आवर्स लेटर इसलिए भाई बाबा ओपिन के साथ इस व्लॉग में था, तो मैंने कहा चलो दोनों का व्लॉग एक जॉइंट हो गया, मुझे लहदा व्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा, वीडियो पर 15-20 मिनट पर पहुंच जानी थी, जहाँ पे ये 10-12 मिनट की वीडियो बनी है वहाँ पे वो 15-20 मिनट की बननी थी, तो थोड़ा फायदा हो गया ना, थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैंने इन दोनों का एक साथ बना दिया। हाँ जी यार, इतनी लेट दरवाजा खोलते हो, अगर बंदे की पॉटी निकल जाए फिर? पॉटी तो निकलेगी फॉर्च्यूनर के अंदर, मैंने सोची है 2-3 चीजें जो हमने चैलेंज करने ना लिविंग इन अ कार वाला। नहीं यार मैंने नहीं करना, मैंने ना 3-4 बार दिन में वॉशरूम जाना होता है, तो और अगर मैं अंदर किसी एक बंदे को ले आऊँ तो मसला तो नहीं है, फिर तो मैं पूरा महीना भी रह लूँ। राजा जी मुझे बताएं कि आपके पास कोई गद्दा शद्दा है, कोई सॉफ्ट अपना, मैंने जो है ना गाड़ी के अंदर बिछाना है, गाड़ी के पीछे वो मैंने जो है ना लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर चैलेंज करना है, तो उसके लिए चाहिए था नीचे जो है ना सरफेस थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 24 आवर्स? हाँ, क्यों? तब दूंगी जब आप 24 ईयर्स रहोगे वहाँ पे। भाई सही सही सही, डक्की भाई की मम्मा रोस्टर है, मैं कहता हूँ जैसा बेटा है वैसी माँ है, माँ को जैसे मौका मिलता है वही पे बेटे को रोस्ट कर देती है। मुझे गद्दा से दे दे अगर है तो वॉशरूम करना अलाउ है, उसके बाद वहीं रहो। नहीं, वॉशरूम भी मैंने खिड़की से बाहर खड़े हो कैसे करके कर लेना। मेरे ख्याल से ये ठीक है, इसके ऊपर शायद मैं चादर बिछा लूं, बल्कि दे दें दिखाएं। हाँ ये बिल्कुल ठीक है भाई, बल्कि है भी उसी साइज का, ये देख काम सेट है कि नहीं, क्या बात है ना, यही बिछा लेते हैं बस। एक चैलेंज हो रहा है भाई, मैंने नीचे किसी का कमेंट पढ़ा, मुश्किल से मुश्किल करी जा रहे हो। नहीं नहीं, लेकिन काम सुन तो सही, जो हमने अंदर बैठ के जो खाना है ना, उसका बजट होगा 200 रुपए पर बंदा, मतलब 24 घंटे के अंदर 200 यूज करना। ये चीज नहीं की है, वो उसकी शॉपिंग, ये चीज हट गया भाई, 200 के अंदर पर बंदे ने अपना बजट चलाना है होगा, ये औखी चीज निकाली इसने डकी ने। होता है दुकान पे जाके देखते हैं, हो सकता है आ जाए। A few moments later
तो दुकान पे पहुंच चुके हैं यार। बाबे पागल है यार, तुमने खोल के खा भी नहीं, खाना शुरू कर भी दिया है। 400 रुपए का बजट है, ठीक है, हम दोनों ने जो है ना एक दिन गुजारने उसमें 400 रुपए के अंदर जो है ना मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है। कितने की है निमको? ये देख 100 रुपए की तो ये हो गई। ये पानी की बोतल कितने की है? 110। ये देख हमारे पास रह गए 290, 110 रुपए की है। तुम्हें पता है मुझे खांसी लगती रहती है, तो हम लोग को ऐसी दो चाहिए। बाबे 1.5 लीटर बहुत है यार। इसके अलावा नहीं कोई सस्ती पानी की कंपनी जो पानी सस्ता देती हो? 100 रुपए की है वो, दे दो 100 रुपए वाली, दे दो ये 100 रुपए वाली है आपकी तरफ से 80 रुपए की हो जाए। एक्वाफिना उससे सस्ती थी यार, एक्वाफिना के रेट ज्यादा है। नेस्ले के बाद देखा जाए तो एक्वाफिना का पानी अच्छा है। देख छोटी ब्रेड पकड़ लेते हैं। कितने की है यार ये भाई? ये 210। 200 रुपए की है यार। मैं आज से कोई 2-3 साल पहले 40 रुपए की लेके जाता है यार। वो 2-3 साल पहले, कोई 2-3 साल पुरानी की ब्रेड दे दो, कोई मसला नहीं। प्लेन ब्रेड हम लोगों ने छोटी कर ली है। ये कितने की है भाई ये वाली? 120 की ये होगी। 100 रुपए का पानी, 120 की ब्रेड। ब्रेड पे लगाने के लिए कोई जैम जूम भी ले लें, अचार वगैरह है? अचार कौन लगाता है यार, जैम लेंगे ना हम। यार कोई जैम देना, 2 नंबर सस्ता था। कितने का ये? 300 रुपए। यार कोई छोटा सा दे दो ना यार। यार मैं तो कहता हूँ कोई बिस्कुट बुस्कुट ही ले लेते हैं, ठीक है, उसी से गुजारा कर लेंगे। ब्रेड रहने दे, ब्रेड के अंदर, ब्रेड के साथ जो है ना हमें लगानी पड़ेंगी अलग अलग चीजें। बिस्किट रेडीमेड पड़ा हुआ है। ये इनमें से कोई चिपस चुपस पकड़ लेते हैं, ये इस तरह की है छोटे मोटे चिप्स भी। 60 रुपए का भाई, 10 रुपए का हुआ करता था ये वाला। कोई बिस्किट बिस्कुट दे दो यार, कोई 10-20 रुपए वाला। कितने का ये? 20। ये 100 रुपए के आप बिस्किट वैसे ही निकाल दो अपने से। सब बिल कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कितना बनता है भाई। 120 तो भाई ये चॉकलेट वेफर्स का बन गया है। 480 बना टोटल, इसमें 80 रुपए का क्या क्या निकल सकता है यार भाई? 80 रुपए आप माफ कर दो ना यार, क्या जाता है आपका है यार। अब तो चुमी भी ले लिया, फिर मानोगे फिर 100 ज्यादा हो जाएंगे। अब चुमी भी लिया, चलो कर दो भाई साहब का रेट 100 रुपए है, कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट भैया जे प्लेस का। जे प्लेस ने भाई सरप्राइज दिया अपनी फैमिली को, उसने नया घर लिया, तो नया घर लेने पे उसने फैमिली को अपने सरप्राइज दिया। तो भैया हमने भाई के क्या मतलब क्या फैमिली उसका रिएक्शन, कैसा रिएक्शन होता है उसकी फैमिली का, प्ले करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई कैसे हो सारे? ये नहीं हुआ कि भाई 1-2 महीने के बाद जो है व्लॉग आ रहा है, अगला फॉरन आ चुका है। गाइस आज मैं बड़ा खुश लग रहा हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। और वो ये है कि अप्रैल फूल लेंगे। सीन ये है कि आज मैं जो है घर बाय करने जा रहा हूँ। हाँ जी, घर बाय करने जा रहा हूँ अपने घर वालों के लिए। मैंने ये सीक्रेट रखा हुआ था, मैं तुम लोगों को बताया था, काफी लोगों को वैसे पता लग गया था, लेकिन कुछ लोग और भी कहते कहते थे शादी शुरू मैं करना ही यार, घर लेने जा रहे भाई। और मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे वो कहते हैं ना जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह करूं। मेरे हाथ जो है गीले हो रहे हैं, मेरा मतलब पसीने से, टेंशन से। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अभी मैं जा रहा हूं, मैंने देख लिया हुआ है, ठीक है, जाके पेपर वर्क करना है, सारा कुछ करना है। कल बैठे थे तो टोकन वनी वगैरह कोई चीज होती है वो दे दी थी, तो अब जा रहे हैं प्रॉपर, दस्तखत होंगे सारा पेपर। माँ जी को नहीं पता, ठीक है, अब्बा जी को पता। अच्छा, अब्बा जी को नहीं बताया? अब्बा जी मतलब साथ है, माँ जी को सरप्राइज दे रहा है, सिर्फ माँ जी कल्याण नहीं, अब्बा जी नहीं। वो मेरे साथ जो है इस सिचुएशन में अंदर है, माँ जी को नहीं पता, उनको मैं सरप्राइज दूंगा बाद में। जल्दी से चलते हैं, मैं बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो भाई फाइनली मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताने लगा हूँ कि भाई जो घर है वो कौन सा है, कैसा है। तुम लोग पूछ रहे होगे भाई दिखा दो, फाइनली सारा कुछ हो चुका है, डन हो चुका है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है। और याद रहे आपके भाई का जो है सबसे पहला घर है पाकिस्तान में। तुम लोगों से मैं शेयर करने लगा हूँ, सबसे पहले बाहर से दिखाता हूँ। तो ये है जी बाहर से, माशाल्लाह लिखा भी भाई यहाँ पे माशाल्लाह, ये घर है भाई। जो मर्जी घर बहुत प्यारा बाहर से, आउटलुक बहुत ही कमाल है। ऐसा ऐसे मैं तुमको अंदर जाके दिखाता हूँ सारा कुछ। ये छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा जो है पार्क है सारा, ये गैराज वगैरह हो गया। यहाँ पे बैठ के जो है दोस्त यार अगर कल को आते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो कुछ भी जो है आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है, और ये मेरे ख्याल से ये ड्राइंग रूम की यहाँ से एंट्रेंस है, तो यहाँ से चलते हैं। ये माशाल्लाह ये है जी ड्राइंग रूम हो गया, ये सिटिंग एरिया हो गया, और ये किचन है भाई। मुझे तो बहुत पसंद है ये ओपन किचन, लेकिन मेरे ख्याल से माँ जी को जो है ना ये ओपन किचन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहना है कि भाई यहाँ पे कुछ लगाओ, खाने छाने बनाने तो स्मेल आएगी अंदर, यहाँ पे उनके लिए जो है कुछ लगवाना पड़ेगा। और ये छोटे से जो है ना पत्थर शत्थर यार यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इसका ना कोई ना जरा वगैरह लग जाएगा। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ऊपर चलते हैं, जहाँ पे मैंने रहा करना है, और एक ही कमरा इस्तेमाल आया करना है। और ये पीछे से भी दरवाजा है भाई, गली से भी दरवाजा है, मतलब कि अगर कोई दूसरे यार ने आना या किसी और ने आना है। तो ऊपर गए हैं तो यहाँ पे शीशा लगा है, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे रहा करना है, सीधी बात है, मुझे तो घर में नीचे घुसाना भी नहीं है, तो ये मेरा हिस्सा हुआ करेगा। यहाँ पे आपका भाई पूरा सेटअप वगैरह रेडी करेगा। अभी ये आ गया किचन, किचन
किचन तो यूज होना ही नहीं है भाई, सीधी बात है किचन यूज कहाँ होता है, किचन में खाने बनाने वाली होगी तो यूज होगा। गहराई में जाके बोलता भाई जो मर्जी हो जाए, इसने बोलना गहराई में जाके। एक कमरा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर जाते हैं ना मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा, मैं सोच रहा हूँ इसको ना स्ट्रीमिंग रूम बना लूँ, ये भी उतना ही कमरा है जितना हमारा वहाँ यूके वाला कमरा है। तो बाकी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से एक ये कमरा आ गया, वैसे जैसे नीचे है ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। तो भाई ये पूरा पोर्शन खाली रहना है मुझे पता है, सिवाय एक कमरे के जहाँ पे मेरा सेटअप होगा सारा कुछ। गाइस फाइनली 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 ख्वाब हो गया आपके भाई का पूरा, एक कमरे में रह के जमीन पे सो के आपके भाई ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। एक कमरा था इसका छोटा सा कमरा था, उसी में रहता था, उसी में सोता था, उसी में वीडियो बनाता था भाई, बड़ा ही बड़ी बात है यार। उस कमरे में से इसने पूरा मकान निकाला, मेहनत है ना भाई, मेहनत की है गले ने। ठीक है, लव यू गाइस, तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से, तुम लोगों की वजह से आई लव यू। दिल नहीं कर रहा मैं तुम लोग गाने पकड़ के ना, अभी माँ जी को सरप्राइज दे रहे हैं, फटाफट से चलते हैं उनको सरप्राइज देते हैं, माशाल्लाह कर रहे हैं सारे। ठीक है, माँ जी को मैंने गाड़ी में बिठाया और उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी, अभी इनको यहाँ पे मैं लाता हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। लेट्स गो। अजू भाई अच्छा प्यारा लगा, ये डन हो गया। क्यूट रिएक्शन भाई, दोबारा रिएक्शन दोबारा देखते हैं। अजू भाई अच्छा प्यारा लगा, ये डन हो गया। गुड हो गया, इसको मैं ना कवर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया, कैसा है प्यारा है ना, ऊपर भी है, ऊपर भी अच्छा बना, इधर भी देख ले, इधर भी देख, बना भी प्यारा बना भाई, और कैसे आएंगे, दुआ करनी है आपने, या आपकी दुआ की वजह से ही हुआ जो भी हुआ। यहाँ से ऊपर है, आगे ध्यान से देखे, सामने शीशा लगा हुआ है, सही है अच्छा, यानी जब आप यहाँ से आए तो अपने आप ऐसे देखना है आपने, ठीक है। ये ऊपर वाला ऐसा कैसा, अच्छा प्यारा लगा, यहाँ पे ये है, ठीक हो गया, ये किचन है। सारी ऑडियंस को मैं ये बता था कि भाई यहाँ पे मैंने अकेले ही रहना है, किचन वाली कोई साफ नहीं है। ये हो गया, हाँ ये, और एक ये तारों में जो है टीवी लगाने वाली ना, वो ठीक है ना, खुश हैप्पी। और इधर जो है ना एक बाकी खुश है, शक्ल से लग रहा है, माँ के लिए और इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है, उसके बेटे ने अपना मकान लिया। ओके की रिपोर्ट है फिर, हाँ जी पक्की बात है, आप तो कोई गिला नहीं मुझसे, नहीं पहले भी कोई नहीं था, पहले भी कोई नहीं था, खुशी है ना मेरे बच्चे का एसेट बना। चल बस ऐसी दुआ करते रहना आपने, ठीक है, चल। तो भाई ये थी आज की वीडियो, वीडियो में भाई मैंने आपके सामने रिएक्शन दे दोनों के भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके लाजमी बताओ कैसे के वीडियोस बनाता लाया हूँ, इसका पार्ट टू लेके आऊँ, इसमें किसको किसके व्लॉग पे रिएक्शन दें, किसके व्लॉग को मतलब आपके साथ शेयर करें, तो भाई कमेंट में लाजमी बताओ। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, वीडियो अच्छी लगे वीडियो का ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको भाई की हर वीडियो तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, खुदा हाफिज़।